गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सक्षम पांडे, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एक मोशन की, कि मतलब ऐसे मोशन आपको दिखा. यही रियल लाइफ में यूज़ भी होती है. ऐसा नहीं होता है कि आपको अब कोई गाड़ी यहाँ से लेके लखनऊ तक गई, तो क्या आप उसको पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो कि सर ये ऐसे रुकी थी यहाँ पे, सर ये ढाबे पे इन्होंने ये खाया इतने. आप तो उसको ग्राफ पे दिखाओगे ना कि हाँ इसने तब स्पीड इतनी बढ़ाई थी. आप इस पेपर पे शो कैसे करोगे कि उसकी स्पीड बढ़ी है? क्या आप तेज़ी से पेन चला दोगे उस पर, या फिर उस पर ब्रेक मारा गया तो आप धीमे धीमे पेन चलाओगे? आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा ना. तो यही वो मोशन को ही डिपिक्ट करता है ये ग्राफ. तो हम लोग ने पहला वाला ग्राफ पिछले क्लास में पढ़ा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन बता रहा था. और इससे हम लोग अल्टीमेटली क्या ढूंढ ले रहे थे? वेलोसिटी. कैसे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके. डिस्प्लेसमेंट था हमारा वाई एक्सिस, टाइम था हमारा एक्स एक्सिस, तो वाई अपॉन एक्स करके. और जो निकल के आता था वो क्या था? स्लोप था हमारा. नहीं याद है किसी को भी? नहीं, अच्छे बच्चे मिले ऐसे याद होगा. अरे बिल्कुल याद है आपको, हैं ऐसी बात. चलिए फिर एक ग्राफ बना रहे, बस वेलोसिटी खटाखट ढूंढ लीजिए. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है. ये 2 मिनट से इसका मोशन स्टार्ट हुई, 2 मिनट पे 10 मीटर पे थी, 3 मिनट पे ये. फाइंड द स्लोप, हेंस फाइंड वेलोसिटी. फाइंड स्लोप, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ ए बी. फाइंड स्लोप ए बी विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस मोशन. तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है. चलिए चालू हो जाइए. क्या टू मिनट पे थी ये, या फिर सेकंड ले लेते हैं, टाइम इन सेकंड है, इन सेकेंड, और ये इन मीटर है, तो आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा. तो ये 2 मिनट पे थी 10 मीटर पे, अरे 2 सेकेंड पे. तो ये 2 सेकेंड पे थी 10 मीटर, 3 सेकेंड 20 मीटर, 4 सेकेंड 30 मीटर, 5 सेकेंड 40 मीटर, 6 सेकेंड 50 मीटर, ठीक है. ज़ीरो से नहीं, यही ध्यान देना है कि ये सेकेंड से, मतलब सेकेंड कैसे इसको बोले, जैसे थर्ड होता है ऐसे सेकेंड तो सेकेंड ही होता है. सेकेंड से ये स्टार्ट हुआ है इसका मोशन, दूसरे सेकेंड से. स्लोप ढूंढना है अपना, एक ही चीज ढूंढते ही है इसमें. ग्राफ तो मैंने ही बना दिया आपके लिए. बिग क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ग्राफ भी आप ही को बनाना है, ढूंढना भी सब कुछ आप ही को है. वाह, युवराज ने तो ग्राफ बना दिया. अरे तेजस ने, आपके नाम में पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज होता हूँ, इतना प्यारा नाम है दोनों का. युवराज मतलब क्या होता है, तेजस मतलब क्या होता है? चार चीज़ें होती हैं. कौन कौन सी? अच्छा लिखे हैं डेफिनेशन नाम की. नहीं तो इसमें सिर्फ आप पहले वाले हैं, एक्साइटेड है सिर्फ आप. चलिए जल्दी ढूंढिए. 50 तक ही गया ही, 40 के बाद तो 50 ही आएगा ना. जी, 10 मीटर पर सेकेंड. लेट्स सी,
नहीं हो पा रहा भाई आप लोग से, समझा दे रहा हूँ। बताइए फिर। 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड देखते हैं। तीस सेकंड और दे रहा हूँ, 30 सेकंड और। 100 मीटर हंड्रेड मीटर आया आंसर आपका। वेलोसिटी मीटर में बताते हैं, वही तो बोल रहा हूँ मैं। वेलोसिटी मीटर में होती है। हाँ तो सेकंड कहाँ है इसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन होता है। स्लोप ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा तो स्लोप तो मीटर पर सेकंड में आएगा आपका। 10 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया यार। देखिए सुनिए, स्लोप ही बताता है क्या वेलोसिटी, ठीक। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किससे शो किया जा रहा है, y एक्सिस से। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहीं पे तो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दीजिए y, और टाइम किस पे शो किया जा रहा है, x पे। अरे मैंने x लिख दिया, यहाँ पे x लिखा और आप लोग बोल भी नहीं रहे कुछ, वाह। y और नीचे x। अब ध्यान क्या देना है, हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, फाइनल माइनस इनिशियल भी करना है, जो d1 d2 माइनस अरे अपॉन t1 t2 कर रहे हैं। नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, यही चलता है यार सब में। पूछो, रिटार्डेशन है उसमें भी फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, अगर आपको खुद ही पता चलेगा इसका आंसर। और नीचे भी यही करना, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना भाई, हमेशा फाइनल ही जीरो हो जाता है, इस वजह से आपकी आंसर जीरो में आ जाता है, अरे नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल ही चलेगा आपका हमेशा। हाँ तो इसमें देखिए, फाइनल क्या था इसमें, वाई एक्सिस 50, माइनस इनिशियल कहाँ से स्टार्ट था, 10 से, -10। टाइम में फाइनल कहाँ पे रुका, 6 पे, और कहाँ से स्टार्ट किया था, 2 से, -2। तो ये 40 अपॉन 4, हेंस 440, अरे 10 मीटर पर सेकेंड। अरे आप लोग कैसे निकाले पता चल रहा है, दिखाइए कॉपी दिखाइए। हाँ यार सही तो किया है इन्होंने, वाह। युवराज भाई को थोड़ा बहुत आता है, तेजस भाई आपको तो जब पता है आप नल्ले हैं तो पढ़िए फिर, जब आपने खुद ही एडमिट कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं। तो मेन चीज़ क्या पता चल गई कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अप द वेलोसिटी, ठीक है, वो स्लोप से पता चलेगा। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, वाई अपॉन एक्स, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है। दूसरा आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बड़ा इजी है। जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, फाइनल जहाँ पे ख़त्म हुआ है, और इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हुआ है। हाँ देखिए इस ग्राफ को देखिए आप, इस ग्राफ में जब ये स्लोप है तो इसका फाइनल क्या है, 60, इनिशियल क्या है, 0, ठीक है। जब ये ग्राफ बना, अब जो आपका क्वेश्चन था रिटार्डेशन का, तो इसमें भी रिटार्डेशन नेगेटिव आएगा, तो इसका फाइनल क्या है, ये 0, और इनिशियल क्या था, 60, तो 0 माइनस 60 गिव्स अस -60, तो हेंस एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या यूज, ये क्या जानने के लिए यूज किया जाता है, नहीं मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बॉडी, दोनों एक ही होता है यार। हाँ डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं बताएंगे अभी, वैसे तो आगे जा के आपको डायरेक्शन भी बताया जाएगा कि इस डायरेक्शन में गया है वो, मगर इस क्लास में नहीं, बचे हुए हैं आप लोग। तो
इसमें हम लोग को पता चल जाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन बताएगा हम लोग को, इसका एरिया, जो भी एरिया कवर कर लेगा एक ग्राफ वही होगा उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। डिस्टेंस विल बी द एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी हम लोग ने जैसे कि ये ग्राफ बनाया, ये बॉडी चली है हमारी ऐसे, ठीक है, तो हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये तो इतना एरिया शेडेड रीजन में आ गया, ये एरिया की वैल्यू आप ढूंढ लेंगे, हाँ, जो भी अलग अलग शेप्स, जैसे कि अगर ये था, ये बना, हम लोग ने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, इस एरिया को ढूंढ दिया, हाँ, डिस्प्लेसमेंट देगा, ये है, ये चला, फिर से एक इमेजिनरी लाइन, एरिया ढूंढ दिया, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब एरिया कैसे आएगा इसका, इसमें आपको बेसिकली क्या करना होगा, वाई इंटू एक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो हम लोग को दे देता है, लेकिन जब ट्रायंगल होगा तो आप लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला, जब ट्रेपेजियम होगा तो थोड़ा फॉर्मूला चेंज करना होगा। तीन शेप्स, हाँ, आपको मेनली वही पढ़ना है। ट्रेपेजियम को भी आप तोड़ सकते हो दो ट्रायंगल एक स्क्वायर में, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। जी ग्लैडियस मैक्सिमस के बारे में पूछ रहे थे, जो भी ग्लैडियस मैक्सिमस, ये क्या, ये तो कोई लॉ है ना, कौन पूछ रहा था सर, अरे वाह, तो ऐसा अलग पूछ रहे थे, क्या होता है वो मुझे ऐसे कुछ आप पूछ रही, वो मतलब बोल रहे थे यहाँ पर वायु एकदम अच्छे से मैं हाथ उठा लिया, मतलब कल प्रॉपर में वो भी देखा तो उठाए नहीं सर, ये पता था आपको, कैसे पता था, वाह, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ग्राफ कंप्लीट। अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स, जी नहीं नहीं वेलोसिटी तो पर सेकेंड होती है ना यार, एक्सेलरेशन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स फुल स्टॉप, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड फुल स्टॉप, इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 8 सेकेंड्स फुल स्टॉप, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, फुल स्टॉप, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड, लंबा क्वेश्चन है इसलिए तो बोला ये लगा लिया सब आ गया, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड नंबर वन चार चीजें ढूंढनी है, नंबर वन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, जब तक ब्रेक नहीं लगाया गया था, सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, सेकेंड वाला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, थर्ड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड फोर्थ द एक्सेलरेशन
ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड एंड द लास्ट 8 सेकेंड्स. थर्ड वाला भी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. थर्ड वाला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. फोर्थ वाला है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स एंड द लास्ट 8 सेकेंड्स. गुड लक विद द क्वेश्चन. इसका आंसर तो आप दोनों ने निकाल लिया. अब क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूं या फिर अगला क्वेश्चन दूं? एक्सप्लेन करूं? ओके. द कार एक्सेलरेट. हाँ ये ख़त्म करके फिर रिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे. आप लोग ने बोला ना सर ग्राफ भी आएगा, तो ये कर दे पहले पूरा कंप्लीट. मतलब हाँ इससे ज़्यादा स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोग ने कर लिया तो बस. चलिए फिर वैसा भी कर दे रहा. लिखिए अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम. अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स. एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्मली एट 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर. 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर. अब इसमें मिनट दिया हुआ, वही टाइम को मिनट में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा हर जगह, दिक्कत क्या आ रही. लास्ट में बोलता है कि ऐसा यूनिट में दो, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा. यूनिफॉर्मली एट 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर फॉर 10 मिनट्स. फॉर 10 मिनट 10 मिनट तक एक्सेलरेट की है ये, ठीक है. फिर फुल स्टॉप. फाइंड द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द ट्रेन. ये पूरा क्वेश्चन चल रहा है. फुल स्टॉप. फाइंड द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द ट्रेन. फुल स्टॉप. इसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी. इट फुल स्टॉप. इट देन मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 मिनट्स. इट देन मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 मिनट्स. 20 मिनट तक ये इसी जो एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी आई उसी सेम वेलोसिटी पे चल रही. मतलब एक्सेलरेशन अब जीरो हो गई, कोई चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं. फुल स्टॉप. द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड. द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड 20 मिनट के बाद. अभी तक टोटल 30 मिनट हो चुके हैं. द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड. सही मोशन तो है यार, ऐसे ही तो चलती है ट्रेन. और क्या सोचिए, आपकी किस्मत अच्छी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. नॉन यूनिफॉर्म होती तब तो फिर ग्राफ ऐसा ऐसा बनता, वेव बन जाता. हाँ, और नैनीताल की चढ़ाई कर रही होती है ट्रेन तब. The brakes are then applied and the train is uniformly retarded. Full stop. It comes to rest in 5 minutes. Draw a velocity time graph. हाँ नहीं, ये भी उसी पैरा का पार्ट है, उसी पैराग्राफ का पार्ट है. Draw a velocity time graph and use it to find number one. Draw a velocity time graph and use it to find number one. The retardation in the last 5 minutes.
the retardation in the last 5 minutes. नहीं यार, सर दर्द हो रहा आज बहुत ज़्यादा. इस सब क्वेश्चन से थोड़ी ना स्ट्रेस होगा भाई, ये सब तो हलवा क्वेश्चन है. सेकंड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड थर्ड क्वेश्चन में कमेंट्री देते रहते. सर ये क्वेश्चन आपने अच्छा बोला है, गुड. थर्ड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन. जी हो गया सर, ढूंढ लीजिए. ये वेलोसिटी कैसे ढूंढना सर? थोड़ा सा दे. चलिए, ये क्वेश्चन करने में हमारे स्टूडेंट्स असफल रहे. ग्रीन लाइन इतनी सी चीज़ करने में तो कोई असफल नहीं होगा. ये दो लाइन बनाने इतनी सी चीज़ में भी कुछ मार्क्स मिल जाएंगे आप लोग को. हाँ, बस आप लोग अगर इसको वाई कर दो, इसको एक्स कर दो, यहाँ वेलोसिटी लिख दो, तो एक मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. हाँ, वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट, ये सब लिखना होगा तभी. वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट और टाइम इन मिनट. एक मार्क्स तो मिल जाएंगे, ये इस ग्राफ, इस पूरे क्राफ्ट पे मिल जाता है. ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होगा. अब देख लो ज़रा क्या क्या बात किया है. क्वेश्चन है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट इतना 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 इतना. अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं बना सकते, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे. ग्राफ को थोड़ी देर ऊपर करते हैं और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्विंग करते हैं. ठीक है, गिवन स्टार्ट की है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 मीटर पर मिनट. ठीक है, उसके बाद फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर. कितने टाइम के लिए? फॉर 10 मिनट्स. टाइम दे दिया, टाइम 10 मिनट्स. तो इस ग्राफ का हमें इस क्वेश्चन इतना लिखने से एक चीज़ पता चल गई, बहुत अच्छी चीज़ पता चली. कोई बताएगा क्या? कि ट्रेन पहले यहाँ पे थी, रेस्ट पे थी. ठीक है, पता है मुझे, लेकिन अब देखने वाली बात है कि ट्रेन जाएगी कहाँ पे. अभी हम लोग कुछ भी प्लेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि कैसे ये चल रही है. क्या ये 10,000 मीटर चल रही है, क्या ये 10 मीटर चल रही है? वो क्वेश्चन अभी पहले सॉल्व करेंगे, तब इसमें प्लेसिंग करेंगे. ठीक है, अब देखते वेलोसिटी कहाँ तक जाती है एक्सेलरेट करने पे. हाँ, यू प्लस ए टी, ज़ीरो प्लस थाउजेंड मीटर. ठीक है, अब ये पता चल गया. हाँ, गुड. अब थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि हाँ यार ये बहुत लंबा लंबा चलेगी, पर क्वेश्चन को आगे रीड करिए, अभी भी प्लेस मत करिए. फिर 20 मिनट और ये चलेगी, मतलब 30 हो गया, तो हम लोग 10-10 मिनट पे अपना मिनट चलाते हैं, और ये 1000 पे जा रही तो 5-500 पे वेलोसिटी को चलाते हैं. ये सब कॉमन सेंस है, आपको खुद ही लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो टाइम क्योंकि 10-10 मिनट का, या फिर 5-5 मिनट का गैप ले लें, कि 10 का ही ले, 5 का ले लेते हैं. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. और सबका अलग अलग हो सकता है भाई, कोई 0, 10, 20, 30 ले ले,
आप कुछ भी, आप 1, 2, 3, 4 मत लीजिएगा, बहुत लंबा बनाना पड़ जाएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के। अब वेलोसिटी प्लेस करते हैं, आपकी मर्जी, आप 100 ले सकते हो, 1 मत ले लेना कि 1 से 1000 तक आप प्लेस करते लगे, ठीक है। हम लोग 500 लेते हैं, 500, 1000 या फिर थोड़ा और बड़ा लेते हैं यार, क्योंकि फिर तो ये ग्राफ शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। 250 का गैप ले लें, 250, 500, 750, 1000, 1250, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं आपके नंबर्स, आपकी मर्ज़ी। अब ग्राफ की प्लेसिंग करना चालू, 0 से स्टार्ट की थी और क्या बताया है, 10 मिनट तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट की है, ठीक है, कहाँ तक पहुँच और क्या हो गया, तो इसका 10 मिनट पे पहुँच गई थी 1000 मीटर पे। तो अब प्लेस करना चालू, 10 मिनट, अरे अरे क्या हो गया, जी हाँ यार दिख रहा है, सही, अच्छा बता दिया आपने। मैं आप जब आप उसको मारेंगे हम देख लेंगे, पहले ही देख ले, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन खींच दें, एक पॉइंट मिल गया हम लोग को, है ना, स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, ये खींच दिया स्ट्रेट लाइन, सिंपल, पहला मोशन समझ में आ गया भाई, इतना हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, इट देन मेंटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 मिनट्स, इसी वेलोसिटी से 100 मीटर पर मिनट से ये 20 मिनट तक चली है, ठीक है, फॉर 20 मिनट्स का मतलब, हाँ यहाँ से 20 नहीं, यहाँ से लेकर 20, इसके बाद 20 मिनट और, तो यहाँ पे आ जाएगी ये फिर से, अरे नहीं येलो से बना दे रहे, सुंदर ग्राफ रहेगा अपना, सुंदर बनाइएगा ग्राफ, उतना अगर लगा पाए तो लगा दीजिएगा, कितनी अच्छी बात हो जाएगी, दूसरा पॉइंट मिल गया, जोड़ दीजिए पॉइंट को, सिंपल। उसके बाद द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स, ठीक है, रेस्ट पे आ जाना है, मतलब ये जीरो उतर आएगा और इसके 5 मिनट बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक रेस्ट पे आ गई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमको ये मिल गया, ये समझ में आया, 1000 से रेस्ट पे आ गई तो जीरो हो जाना है और 5 मिनट बाद, तो यहाँ से 5 मिनट बढ़े और इसको जीरो पे लेते हैं, ये दूसरा पॉइंट ये मिला, जोड़ देते हैं, ग्राफ इज कंप्लीट, ग्राफ मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब इट कम, चलिए ग्राफ ने जितना बोला था उतना हम लोग ने कर लिया। अब पहला, द रिटार्डेशन इन द लास्ट 5 मिनट्स, ये कितना रिटार्ड की है, कैसे ढूंढे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो वी क्या, जीरो, गुड, यू क्या, 1000, टी क्या, 5 मिनट्स, ठीक है, 5, नहीं नहीं आप अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि हम लोग मीटर पर मिनट में लिए हैं, तो क्या आएगा, ये इसको 200 टाइम्स काट देगा, तो माइनस 200 मीटर पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में, गुड, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन फिर लिख दीजिए, 200 इज इक्वल टू 200 मीटर पर मिनट, छोड़ दें स्क्वायर, यही ट्रेन अभी उधर चल रही है, गलती से ट्रेन उधर चल गई ना, समझे रहिएगा। फिर उसके बाद सेकंड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैंने बताया डिस्टेंस जब भी बात करें
शेडेड रीजन कर दो। अगर बोलता कि सिर्फ 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम लोग ये शेडेड रीजन निकाल देते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में बोला था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मैं बता रहा हूँ, अगर पूछता क्वेश्चन में, अगर बोलता कि बताओ पहले 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो यहाँ से लेके इतना शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकाल दो ट्रायंगल का एरिया लगा के। अगर बोलता कि 10 मिनट से 30 मिनट तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, ये निकाल देते आप, ठीक है। ये नहीं, सिर्फ इतना निकालते था, सिर्फ इसका एरिया। हाँ, जब एक एक का, फिर जब बोले कि 30 मिनट से 35 मिनट कितना ट्रैवल की, तो इतना एडेड निकाल देते, ठीक है। पर हम लोग को बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। हाँ, टोटल में नहीं करना होगा। अब हम लोग को ये पूरा ही निकालना। अब आपके पास दो तरीके हैं, आपको दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा और एक स्क्वायर दिख रहा। हाँ, आपको ट्रेपीजियम भी दिख रहा है। आपको अगर ट्रेपीजियम के एरिया के फॉर्मूला पता है, तो ट्रेपीजियम का एरिया फॉर्मूला निकाल दो। अगर नहीं याद आ रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का निकालो और ये बीच में स्क्वायर का निकालो, सबको ऐड कर दो। क्या किया जाए हम लोग ट्रेपीजियम का लगाएं? किसी को याद है एरिया का फॉर्मूला उसके? हाँ, क्या होता है? अरे वाह, अच्छा याद है। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया, टोटल एरिया, हाँ, और एरिया का फॉर्मूला हमारे युवराज भाई ने बता दिया कि एरिया, अब इस पॉइंट्स भी दे देते हैं इनको, इसको ए ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स, इसमें कौन सी हैं? ये दोनों दिख रही हैं, ठीक है। तो ये कितनी है लंबी? 20, गुड। तो हाफ इंटू 20, और नीचे वाली 35 प्लस 35, और हाइट कितनी है इसकी? ये देखिए, यहीं तक, तो यही तो मैक्सिमम हाइट है इसकी, तो यहां से यहां तक कितनी है? 1000, ठीक है। 1000, तो हाफ इंटू 40, अरे 55 इंटू इतना, मतलब कि 55 इंटू 1000 अपॉन 2, इसको इससे काट दे 27.5, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये इसको 3 बार, 1 2 3, तो 27500, 27500 मीटर्स ट्रैवल की है। इसको किलोमीटर में भी दे सकते हैं, अपॉन 1000 करके क्या हो जाएगा? हाँ, ऐसे भी, तो 27.5 किलोमीटर, ठीक है, कैसे भी आप दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर बताओ बेटा, तो किलोमीटर में ऐसे निकाल देंगे। और लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज किसी चीज़ का भी तो यही होता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, बस ये कर लीजिए, फिर बता दीजिएगा, ठीक है भाई, क्वेश्चन हो ही गया। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कुछ भी लिख सकते हैं, अपॉन टोटल टाइम। बताइए टोटल डिस्टेंस क्या है? अरे मेरे भाई, ये निकालें इतनी मेहनत से, अभी अभी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालें। 27500 अपॉन टोटल टाइम, कितना तक ट्रैवल किया ये? गुड, ठीक है, टोटल टाइम देख लिया हम लोग ने, और ये 35। अब कितने से काटें यार उसको? अरे यार, छोड़ दो, 5 से ही काटना पड़ेगा। काटिए काटिए सब लोग, मेंटल कैलकुलेशन। 27555 55 55 7 55, डेसिमल में ही आने वाला है ये, 0 7 49 9 6.0,
और ये फिर 7 8, 7.8, 7.8 मीटर पर मिनट आ गया अपना आंसर, ऐसे निकलेगा। ठीक है, पर रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये हम लोग ये दोनों जीरोस भूल गए, ये दोनों जीरो भूल ही गए, तो दो जीरो और शिफ्ट करना है, तो दो डेसिमल प्लेस और खींचना है इसको। नहीं, हमने सिर्फ 275 और 35 को काटा, ये दोनों जीरो अभी बचे हैं, ये अभी और डेसिमल प्लेसेस मूव करेगी। होगा होगा, डेसिमल में जाएगा, करना पड़ेगा। देखिए आगे लेके जाते हैं इसको, हमने इसको काटा था कितने से, पहले सबसे पहले मैंने काटा इसको 7, फिर 8, हाँ हाँ ये 27500 डिवाइडेड बाय 35 करिए, कुछ आएगा 7.85 करके, ये हो जाएगा 56 4 35। हाँ बताइए, 7.8 5.71। ठीक है, 7.85.71 इसको पुट कर दे, 7.85.71 और बस, तो ये आ गया अपना आंसर, ये है, इसको आप सिंपली लिख सकते 7.85.7 मीटर पर मिनट, ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए इसी से हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना ग्राफ सेक्शन, अब बस रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ये हम लोग का मोशन इन वन डायमेंशन इज कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू, अब बताइए अपनी कहानी।